कॉल लगाओ, कैसे बात करते थे? कॉल लग गया, सांप कैसे बात करते थे पीछे? मान लो कॉल लग गया, कैसे कॉल करते थे? कैसे कॉल करते थे? अर्थक दो लोग को मालूम चलेगा तो लोग बच पाएंगे आगे। अब बताओ ना कैसे करते थे। पहले कॉल किया आपने, ठीक है, कॉल किया, उठाया मैंने। हेलो मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं एयरटेल कंपनी से बात कर रही हूँ। क्या आपके पास कोई 10x10 फीट की खाली जमीन है जो आप किराए पे देना चाहते हैं? मेरे पास तो काफी किसान हूँ मैडम, 10 एकड़ जमीन है। लेकिन तो क्या आप कोई खाली जमीन देना चाहते हैं जहाँ पे आपको एयरटेल का टावर लगाने के लिए? मुझे क्या फायदा होगा मैडम एयरटेल का टावर लगा के? सर इससे 3 बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। आपको पहला तो हर महीने एक भाड़ा दिया जाता है 12,000 रुपए, प्लस आपके परिवार में किसी एक मेंबर को एक नौकरी दी जाती है टावर ऑपरेट करने के लिए वहीं पे उसी टावर में। जी सर। और उसके साथ साथ आपको 15 लाख रुपए एडवांस के तौर पे दिया जाता है। 15 लाख? जी सर। कितना एक जमीन देना पड़ेगा मुझे? 10x10 फीट का। 10x10 फीट का? और टावर लगाने से मेरी खेती को या घर में बच्चों किसी को नुकसान तो नहीं होगा रेडिएशन से? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोगों ने पहले भी लगाया है क्या छत्तीसगढ़ में टावर? सर अभी तो जस्ट हम लोगों का सर्वे स्टार्ट हुआ है, तो अभी तक कोई ऐसा काम हुआ नहीं। अभी सर्वे चल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है और अगर आपकी जमीन सिलेक्ट हो जाती है तो आगे का जो सीनियर है वो आपको कॉल कर लेंगे। उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करना। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर आपका आधार कार्ड, फोटो और जमीन का डॉक्यूमेंट्स। उसको कहाँ भेजना है मुझे? आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा कंपनी का, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा फोटो उठा के। आफ्टर देन अगर आपकी जमीन सिलेक्ट होती है तो आपको वहाँ से कॉल करके कर लिया जाएगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए इसी नंबर पे, मेरे पिताजी हैं, उनका खेत है, उनसे बात करके मैं करवाता हूँ। सर आपकी इसी नंबर में हायर लिख के भेज देती है, आप उसमें डॉक्यूमेंट्स भेज। ठीक है मैडम, थैंक यू। उसका पैसा कैसे लेते हैं? हेलो, मैं कॉल किसको करूँगा? कॉल नहीं सर, व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे आ गया डॉक्यूमेंट सर इनका? दो दो हाई आया। ठीक है, मैंने जवाब दिया, डॉक्यूमेंट भेज दिए मैंने। अब उसके बाद सर सीनियर डिपार्टमेंट से, सीनियर डिपार्टमेंट को पकड़ाओ उनको जरा। सीनियर डिपार्टमेंट को हम नहीं थे, तुम तो पूरे मालिक थे भाई, ठगी करते थे। तो आप ही बात करो सीनियर डिपार्टमेंट क्या होता था, आपको पता है ना? अब बताइए, बताओ कैसे बात करते हैं जैसे आपको कॉल करो। ठीक है, व्हाट्सएप भेज दिया मैंने डॉक्यूमेंट आपको, फिर क्या होगा? फिर आपको मतलब कि बोला जाएगा कि आप फोन करिएगा बैक कॉल। बैक कॉल मैं करूँगा, करता हूँ बैक कॉल। हेलो जी सर, आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेल व्हाट्सएप हो गया है। हाँ मैडम। का जो प्रोसेस है उसके लिए आपके पास जमीन सिलेक्शन के लिए कॉल जाएगा, या फिर आपका जमीन अगर सिलेक्ट हो गया तो आपको बता दिया जाएगा। कब तक आएगा मैडम ये सिलेक्शन का? सर 2 दिन का प्रोसेस लगेगा सर। ठीक है, दो दिन के बाद आपकी तरफ से फोन आएगा, मुझे करना पड़ेगा। आप कॉल करेंगे, धन्यवाद। दो दिन बाद। हेलो हेलो जी सर, आपका जमीन सिलेक्ट हो गया है, इसके बाद आपको एक लाइसेंस बनाना होगा, कॉमर्शियल लाइसेंस, जिसके लिए आपका खर्चा होगा 10,260 रुपये। कॉमर्शियल लाइसेंस कैसे बनाना होगा सर? उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड और फोटो फिर से भेजना होगा। 10,260 रुपये आपको अकाउंट रिसीप्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद उसमें 10,260 रुपये डालने के बाद आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको मिल जाएगा। 10,260 कैसे डालना है सर? आपको डॉक्यूमेंट मतलब जो अकाउंट डिटेल्स है वो अकाउंट डिटेल्स आपको भेज दिया जाएगा। ओके मैडम, भाई बेटा रखो ना। फिर कॉल करो, डाल दिए पैसा, डाल दिए। हेलो, पैसा डल गया फिर? तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स उनको दिया जाता। डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट आ गया। हेलो, अब वो क्या करेगा किसान? बस वहीं तक बात होता है। उसके बाद जिस नंबर फोन करेगा वो बात होगी ही नहीं। फिर सेकंड और पैसा मांगते थे नहीं, और तो मांगते हैं ना प्रोसेसिंग चार्ज का। तो आप नहीं करते, उसके कौन करता था? अरे आप ही के तो होंगे ना सर्विस सेंटर में। आप 10,260 लेके रुक जाते थे, उसके बाद एक दूसरा आप ही के जो 22 लोग जो भर्ती हुए थे उसमें कोई दूसरा? इधर आओ बेटा, इधर आओ माठक। आप बताओ ये 10,000 तो मैडम ने लूट लिया, उसके सेकंड लेवल पे कौन लूटता था? गोपाल कंडा करके था। गोपाल कंडा करके था, वो क्या करता था? वो उसके बाद में वो प्रोसेसिंग चार्ज करता था। प्रोसेसिंग चार्ज कैसे लेता था? जैसे वो बैंकिंग चार्ज। चलो फोन दो इसको, बताओ कैसे होता था। चलो कॉल करो। हेलो जी, दमा कर दिया मैंने 10,260 रुपये, आगे का कुछ हो ही नहीं रहा आपका? आगे का काम आपको जो है वो सीनियर वो कॉल करेंगे आपको। अरे कब कॉल करेंगे, 10 दिन हो गया कॉल ही नहीं किया अभी तक। मैं 10,260 लेके बैठ गए हो आप लोग? उनसे मैं बात करके एक बार आपको कंफर्म करता हूँ सर। ऐसे NOC चार्ज आपको देना पड़ेगा सर।
अरे यार अभी 10,260 लिया है तुमने, अभी एनओसी चार्ज करो साहब, पहले बताया क्यों नहीं एनओसी चार्ज का? कहाँ से बोल रहे हो तुम? कलकत्ता से बोल रहे हैं। कलकत्ता से बोल रहे हो? ये एनओसी चार्ज कितना है? ये एनओसी चार्ज 17,200 रुपये। ये उसी अकाउंट जमा करना है जी? सच्चे में अकाउंट तो जमा कर दिया फिर? उसके बाद बैंकिंग से दूसरा ऑफिस कॉल करो ना यार। हेलो सर, बैंकिंग डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। कहाँ के बैंकिंग डिपार्टमेंट? कोलकाता। अरे तो जमा कर दिया है तो बुरा तो आया नहीं तुम्हारा दस्तावेज? मिल जाएंगे सर आपको डॉक्यूमेंट, मिल जाएंगे सर डॉक्यूमेंट। कब मिलेगा यार, 1.5 महीना हो गया। वो पिताजी पूछ रहे हैं मेरे से, तुम्हारे चक्कर में 10,000-17,000 दो बार दे दिया तुम्हारी कंपनी को। बोलो सही आदमी हो फ्रॉड आदमी हो? नहीं सर, हम लोग सही आदमी। तो कब तक आएगा? आ जाएगा सर 10-15 दिन के अंदर में। आप खुद को फोन करोगे 10 दिन बाद की मुझे करना पड़ेगा? हम भी खुद करेंगे। फिर कैसे पैसे लेते? फिर क्या करते हो? फिर पैसा कैसे लेते? सेकेंड थर्ड वाला बैंकिंग कॉल कर रहा है हेलो। हाँ सर, वो बैंकिंग चार्ज के लिए आपका प्रोसेस रुका हुआ है, बैंकिंग चार्ज। अरे कौन सा बैंकिंग चार्ज है यार, 10,000 ले लिया, 17,000 ले लिया, फिर कब कौन सा चार्ज है? आपका पैसा जो ट्रांसफर होगा उसका चार्ज देना पड़ेगा। ये कितना लगेगा? सर 30,000 रुपये। अरे यार इस बार तुम्हारा नहीं हुआ तो कलकत्ता आ गए तो पुलिस के हवाले करवा दूंगा मैं। ठीक है सर, काम हो जाएगा सर। जमा कर दिया 30,000, फिर जीएसटी चार्ज, जीएसटी चार्ज और क्या चार्ज होते हैं? इतने में लूट लिया तुमने, और फिर आदमी फोन करेगा तो? फोन करेंगे तो बात करते हैं। हेलो हेलो, आप मैंने आपका सब चार्ज जमा कर दिया, अभी तक आपका टावर का स्टार्ट नहीं हुआ, 15 लाख जो आने थे मुझे। सर थोड़ा बहुत दिन टाइम लगेगा सर, 10-15 दिन टाइम लगेगा, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा। अरे यार 4 महीने हो गए, कितने 15-15 दिन कर रहे हो? 15 लाख का सपना दिखा रहे हो, देने भी वाले हो? नहीं मिलेगा सर, पैसा मिलेगा आपका। देखो पहले कोई बात करता है, फिर कोई दूसरा बात करता है, कोई तीसरा बात करता है, अलग अलग लोग बात करते हैं, अभी तक आया नहीं है मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट। मान लो उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस उसका, अरे प्रोसेस होगा, निकलेगा क्या उस प्रोसेस से? कितना पैसे, और पैसे कैसे लेते हो? और पैसा नहीं लेते। 10,000 रुपये।